देश एक बार फिर कोरोना महामारी के प्रकोप का शिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, लोगों में एक तरह का भय व्याप्त हो रहा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के लगातार नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिन्हें बढ़ते संक्रमण का जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि देश के वैज्ञानिक कोरोना के बदलते रूपों पर लगातार नजर रखे हुए हैं, उनको समझने के लिए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट में वो क्षमता नहीं होती कि हमारे मास्क को पेनिट्रेट कर पाए या हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से पार पा पाए। तो ये हमारे लिए मुख्य हमारा एक धरातल है जिसके ऊपर हमें खड़े रहना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, क्विक आइसोलेशन, प्रिवेंटिंग द क्राउड फ्रॉम इंटरमिंगलिंग एंड ऑल्सो मेकिंग द पीपल वैक्सीनेटेड इन टाइम एंड विद प्रायोरिटी शुड बी अवर द की एंड शुड बी द अवर स्ट्रेटजी फॉर द एरियाज वेयर वी आर फाइंडिंग वेरियंट्स ऑल्सो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वायरस जितना ज़्यादा लोगों में फैलता है उतना ज़्यादा उसमें बदलाव आते हैं, यानी वो म्यूटेट करता है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ें और इसके प्रसार को रोकें। इसका एक अहम तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण। टीके से लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और उन पर संक्रमण का असर कम से कम होगा। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार कम होगा। इससे स्वास्थ्यकर्मी और वैज्ञानिक ज्यादा कुशलता के साथ समाधान कर पाएंगे। इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, कोविड के मैनेजमेंट में यह एक समग्र सरकार और संपूर्ण समाज द्वारा किया जाने वाला कार्य है और इसके लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम संक्रमण के प्रसार को रोकें। वह हमारा मूल कारण है और इसको कंट्रोल जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक स्वास्थ्य सेवा का वह बुनियादी ढांचा, यह जो आवश्यक लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन पर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। कोरोना चाहे जितने रूप बदल ले, वो कितने भी संक्रामक क्यों ना हो, हम बहुत आसान तरीके से उसके प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। बस हमें उन दिशा निर्देशों का पालन करना है जो वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञों ने हमें बताए हैं। अगर हम कोविड उचित व्यवहार का पालन करते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, भीड़ भरे इलाकों से बचना, किसी तरह के आयोजनों में शामिल ना होना, जरूरत के लिए बाहर निकलते समय डबल मास्क का इस्तेमाल और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, तो हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकते हैं। इस वक्त विशेषज्ञ डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें पहले सर्जिकल मास्क को ऐसे लगाएं ताकि उसके आसपास से हवा जाने की गुंजाइश ना रहे। फिर इसके ऊपर कपड़े का मास्क लगाएं। अगर मास्क N95 है तो दोहरा मास्क लगाने की जरूरत नहीं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में सबसे अधिक सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड उचित व्यवहार का पालन करें। वह हमारे लिए इतना जरूरी है कि जैसे हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यह हमारे एक सोशल वैक्सीन के रूप में काम करेगा और जिसके अंतर्गत हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, हैंड एज वेल एज रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मैनेज किया जाए, मेंटेन किया जाए, उस पर काम करें। इस समय कोरोना महामारी की तरह सूचना महामारी भी एक बड़ी समस्या है, इसलिए फैल रही अधूरी और गलत जानकारी से बचें। सिर्फ आधिकारिक स्रोत जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, वैज्ञानिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही ध्यान दें। अगर हम सब अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अपने और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को सुरक्षित रखने में अग्रणी पंक्ति में लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की मदद कर सकते हैं।